यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की आज वतन वापसी होगी। पाकिस्तानी वायुसेना से लोहा लेने के दौरान पाकिस्तानी सरजमी पर गिरफ्तार होने वाले अभिनंदन को आज पाकिस्तान रिहा करेगा। दरअसल दोनों देशों में तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के पकड़े गए विंग कमांडर अभिनंदन को शांति पहल के तहत छोड़ने की गुरुवार को घोषणा की और इसके कुछ ही घंटे पहले भारत ने उन्हें बिना शर्त रिहा करने का कड़ा संदेश दिया था। आज पूरे देश की निगाहें बाघा बॉर्डर पर हैं क्योंकि हिंदुस्तान का जांबाज पायलट विंग कमांडर अभिनंदन की आज वतन वापसी है। भारत ने ऐसा कड़ा रुख अख्तियार किया कि इमरान खान ने खुद अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान किया। आपको बता दें पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत वायुसेना के बड़े अधिकारी और मोदी सरकार के कई मंत्री भी बाघा बॉर्डर पर अभिनंदन का स्वागत करेंगे। इससे पहले अमरिंदर सिंह ने ट्विटर पर लिखा, मैं पंजाब की सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं। मैं वर्तमान में अमृतसर में हूं। पता चला कि पाकिस्तान सरकार ने बाघा से अभिनंदन को भेजने का फैसला किया है। पंजाब के सीएम ने कहा, यह मेरे लिए बेहद सम्मान की बात होगी कि मैं वहां खुद उनके स्वागत के लिए रहूं और उन्हें रिसीव करूं क्योंकि वो और उनके पिता एनडीए के पूर्व छात्र हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने का फैसला एक शानदार कदम है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, इसे अलगाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान तनावपूर्ण स्थिति को और आगे बढ़ाने का फैसला कर सकता है। मैं इसे सुलह के रूप में देख रही हूं। पायलट अभिनंदन की वतन वापसी को लेकर पूरे देश में खुशी की लहर है। राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने भी इसे लेकर खुशी जाहिर की है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि भारतीय वायुसेना के लिए विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई उनके परिवार और भारत के हर नागरिक के लिए सबसे अच्छी खबर है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, हमें अभिनंदन पर गर्व है और हमारी सेनाओं पर भी गर्व है। सेनाएं देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। शांति सबसे जरूरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पाकिस्तान को उसकी औकात समझ में आ गई है। पाकिस्तान हमारी एक बात नहीं को मान रहा है और इसका परिणाम अभिनंदन हमारे जांबाज जवान वापस आ रहे हैं। सीएम ने कहा, शांति बहाली के लिए युद्ध भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बात गीता में भी लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई की सेना को खुली छूट दी और सर्जिकल स्ट्राइक 2 हुई। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने खुशी जताई है। साथ ही कहा कि पाकिस्तान पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। पूर्व सीएम ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा देता है और जब जब उसने ऐसा किया है उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए चीन ने पाकिस्तान जाने वाले अपने सभी विमानों पर रोक लगा दी है। वहीं चीन ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तान से आने और जाने वाले सभी विमानों को रद्द कर दिया गया है जिसमें कनेक्टिंग फ्लाइट भी शामिल है। दरअसल चीन के इस फैसले के बाद मिडल ईस्ट की ओर जाने वाली सभी विमानों को भारत, म्यांमार और मध्य एशिया के रास्ते भेजा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संगठन अलकायदा के सरगना रहे उसामा बिन लादेन के बेटे का पता बताने पर अमेरिका ने 10 लाख डॉलर के इनाम का ऐलान किया है जो कि भारतीय मुद्रा के मुताबिक 70 करोड़ रुपए के करीब हो जाती है।
अमेरिका के मुताबिक ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा बिन लादेन इन दिनों अमेरिका पर हमले की साजिश रच रहा है। हमजा अपने पिता की मौत का बदला अमेरिका से लेना चाहता है। सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद अमेरिका ने यह ऐलान किया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इस इनामी राशि का ऐलान किया। अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी एमटी इवानोफ ने कहा कि यह कदम अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और गंभीरता को दर्शाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव की स्थिति के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के नेता और पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ताजा ट्वीट किया है। सिद्धू ने कहा कि जिस जंग में बादशाह की जान को खतरा न हो उसे जंग नहीं राजनीति कहते हैं। भारत पाक सीमा पर तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए प्रदेश पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। हालांकि सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द नहीं की गई हैं, लेकिन अनावश्यक तौर पर छुट्टी नहीं दी जाएगी। पुलिस महानिदेशक एसआर मर्डी ने इस संदर्भ में अधिसूचना भी जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस कर्मचारियों को अवकाश देने का निर्णय आगामी आदेशों तक एसपी अपने आधार पर नहीं ले सकेंगे। वही आपातकाल और मेडिकल समेत अन्य अवकाश के लिए संबंधित रेंज के आईजी डीआईजी के पास आवेदन करना होगा। आईजी और डीआईजी भी पुलिस महानिदेशक से चर्चा के बाद ही छुट्टी पर फैसला करेंगे। किन्नौर के जिले के नामग्याल डोगरी में ग्लेशियर के चपेट में आए आर्मी के पांचों जवानों की तलाश के लिए अब सेना की ओर से डीआरडीओ की मदद ली जा रही है। गुरुवार को डीआरडीओ का एक विशेष दल घटनास्थल पर पहुंचा। इस दौरान आधुनिक उपकरणों समेत डॉग स्क्वाड की मदद से जवानों की तलाश शुरू कर दी गई है। डीसी गोपाल चंद ने बताया कि बुधवार को घटनास्थल से एक मोबाइल बरामद हुआ है जो नितिन राणा पालमपुर कांगड़ा का बताया जा रहा है। गोपाल चंद ने बताया कि घटना के बाद से ही आर्मी आईटीबीपी ग्रेव की विशेष टीमों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान आधुनिक मशीनरीज के अलावा स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है। बुलंदशहर में बीजेपी के मंडल संवाद महासंवाद कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जेबीएल नरसिम्हा ने कहा कि जिस प्रकार सेना ने पराक्रम दिखाया पाकिस्तान शटडाउन हो गया। जेबीएल नरसिम्हा ने कहा कि सारे एयरपोर्ट को बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या है, बावजूद इसके देश में सामान्य हालात बने हुए हैं। नरसिम्हा ने कहा कि पीएम मोदी बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भी सामान्य हालात में पूरे कर रहे हैं। जेबीएल ने कहा कि भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में 73 सीटें जीती थी, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी 80 सीटें जीतेगी। प्रयागराज कुंभ मेले का नाम गुरुद्वार को एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया। कुंभ मेले में संचालित होने वाली 509 शटल बसों का एक साथ संचालन किया गया। ये उपलब्धि जल्द ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी। शटल बसों के 9 किलोमीटर लंबे काफिले ने स्टार्ट पॉइंट से 3.2 किलोमीटर का सफर तय किया। इस तरह से शटल बसों ने कुल 12 किलोमीटर की दूरी तय की। शटल बसों को प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला और कमिश्नर डॉक्टर आशीष गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेशनल हाईवे 19 पर सहसो बाईपास से नवाबगंज तक मार्ग पर शटल बसों का संचालन किया गया। इससे पहले 390 बसों के एक साथ संचालन का वर्ल्ड रिकॉर्ड यूएई के नाम दर्ज है। 2 दिसंबर 2010 को अबुधाबी में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। झज्जर जिले के भदानी के शहीद पायलट विक्रांत शहरावत का अंतिम संस्कार कर दिया गया। विक्रांत को उनके 1.5 साल के बेटे वरदान ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर वायुसेना के दस्ते ने फायरिंग कर शहीद विक्रांत शहरावत को सलामी दी। अंतिम संस्कार में शामिल होने आए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और आश्रित को एक सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शहीदों के परिजनों के साथ है और उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।
तो वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से शहीद के परिवार को जल्द आर्थिक मदद देने की मांग की है। शहीद के अंतिम संस्कार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, कृषि मंत्री ओपी धनखड़, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, विधायक गीता भोकल, दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष योगानंद शास्त्री सहित अनेक नेता मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि देश के लिए गर्व की बात है कि हमारा एयरफोर्स का जवान वापस आ रहा है, उसने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, देश की जनता अभिनंदन का अभिवंदन करने के लिए तैयार है। सुभाष बराला ने कहा कि पीएम मोदी के विदेशी दौरे के कारण आज सभी देश हमारे साथ खड़े हैं, मोदी जी की नीतियों को लेकर सब हमारा समर्थन कर रहे हैं। बराला ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर हम लगातार तैयारी कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक होगी, 10 लोकसभा क्षेत्र की सूची तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। हरियाणा सरकार ने अंग्रेजों के 120 साल पुराने कानून को बदल दिया और पीए यानी कि पंजाब भू परीक्षण विधेयक 2019 को विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद विधानसभा में पास करा दिया। कानून में हुए संशोधन के बाद अब अरावली फॉरेस्ट रेंज में भी निर्माण कार्य हो सकेंगे, जिसे गुस्साए बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलएन पराशर ने कहा कि वे अरावली को बचाने के लिए लंबे समय से लड़ रहे हैं, इसलिए इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। साथ ही कहा कि सरकार को एक बाबा और भूमाफियाओं ने मिलकर खरीद लिया है। नारायणगढ़ में राज्य मंत्री नायब सैनी ने गांव हमीदपुर निवासी सिद्धार्थ शर्मा को श्रद्धांजलि दी। राज्य मंत्री नायब सैनी ने कहा कि मैं शहीद को नमन करता हूं, दरअसल सिद्धार्थ बड़गांव के में एक प्लेन क्रैश में शहीद हो गए थे। सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर विधानसभा के धरनासी गांव में 82 लाख रुपए की लागत से जायका के उठाऊ सिंचाई योजना और स्प्रिंकलर सिस्टम को लोगों को समर्पित किया, इससे 700 कनाल भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा इससे किसान कम पानी में भी ज्यादा पैदावार ले सकेंगे, उन्हें अब मौसम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही कहा कि योजना के तहत किसानों को इस सिस्टम के बारे में प्रशिक्षण भी दिया गया है। ज्वाली में अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों के लिए 27% आरक्षण दिया जाए, ये बात अन्य पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिलावर छोटू ने नगरोटा सूर्या की एक बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी में अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन हिमाचल के शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर बसपा के अलीगढ़ लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अजीत बालियान के नाम की घोषणा हुई है। वह इस पर अजीत बालियान ने कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। अजीत बालियान ने मायावती का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि अलीगढ़ में कृष्णजलि सभागार में बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, जिसमें बसपा के अलावा सपा और रालोद के अधिकारी भी शामिल थे। इलाहाबाद में शुक्रवार एमएसएमई विकास संस्थान की ओर से चल रहे 3 दिवसीय कारोबारी मेले का समापन हुआ, जहां पर प्रदर्शनी में लाखों रुपए के व्यापार होने का दावा किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के अंतिम दिन मुख्य अतिथि के रूप में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वाराणसी के चीफ मैनेजर राजीव रंजन रहे। उन्होंने प्रदर्शनी में विभिन्न इकाइयों की ओर से लगाए गए उत्पादों का अवलोकन किया। गोरखपुर मेट्रो की तैयारियां जोरों पर हैं, उसके लिए 4,800 करोड़ रुपए का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तावित किया गया है। 2 बोगियों वाली मेट्रो के लिए 2 कॉरिडोर बनाए गए हैं, इसमें 16 स्टेशन होंगे। वहीं डीपीआर को अंतिम रूप देने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण राइट्स और लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि मोदीपुर जंगल कौड़िया के लिए प्रस्तावित 4 लेन के मद्देनजर गोरखनाथ मंदिर रोड पर प्रभावित होने वाली दुकान निर्माण
आदि का सप्ताह भर में आकलन किया जाएगा और उसके बाद एक और बैठक होगी और फिर डीपीआर केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। मिर्जापुर में भी इस योजना की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, सबको लाभ देने के लिए जोर शोर से सर्वे कराकर डाटा एंट्री का काम किया जा रहा है। वर्तमान में 2,25,000 डेटा तैयार कर लिया गया है, जिसे शासन को भेजा जाएगा और जल्द ही सभी किसानों को लाभ मिलेगा। जो किसान नहीं जुड़ पाए हैं वो तहसील में हेल्पलाइन काउंटर से संपर्क कर ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर वो इसके पात्र हैं तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में देश के ताजा हालातों के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ प्रदेश में स्थिति पर नजर रखने और सभी तैयारियों को लेकर चर्चा की। रूड़की में भगवानपुर क्षेत्र के बिंदु खड़के गांव में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाया गया, जहाँ गाँव के सैकड़ों लोगों ने कैंप पर पहुंचकर लाभ उठाया। कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि रकित वालिया ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने सभी गांव-गांव जाकर कैंप लगाने का आदेश दिया है, जिसके आधार पर ये कैंप लगाए जा रहे हैं। टिहरी में जिला पंचायत की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 35,34,00,000 की योजनाओं का बजट पास किया गया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी के अलावा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए वितरित किए गए। सदन में जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को रखा, वहीं जिलाध्यक्ष ने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान का आश्वासन भी दिया। चमोली में पुलिस विभाग ने आने वाले त्योहारों के साथ आमजन की समस्याओं को लेकर एक जनसंवाद गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में एसपी और डीएम भी मौजूद रहे। लोगों ने आमजन मानस से जुड़ी समस्याओं को इस गोष्ठी में रखा और समाधान के लिए एसपी और डीएम से मांग की। पुलिस अधीक्षक यशवंत ने कहा कि जो समस्याएं इस कार्यक्रम में रखी गई हैं उनका समाधान किया जाएगा। चमोली के सीमांत घाटी के लोग सड़क बंद होने से परेशान हैं। दरअसल सड़क के निर्माण कार्य चल रहा है। फतेहाबाद के गांव भेड़ाना में बोर्ड परीक्षा केंद्र बदलने से नाराज सैकड़ों स्कूली छात्राओं ने प्रदर्शन किया। छात्राओं ने मुख्यमंत्री के नाम मनोहर पत्र लिखकर रोष जताया और सीएम से परीक्षा सेंटर गांव में ही करवाने की मांग की। छात्राओं ने कहा कि लंबे समय से गांव में परीक्षा सेंटर बन रहा है, लेकिन इस बार 25 किलोमीटर दूर गांव भोड़िया खेड़ा में बनाए जा रहे हैं। इससे छात्र छात्राओं को परीक्षा देने के लिए जाने और आने में परेशानी हो रही है। हरिद्वार में स्वामी रूपेंद्र प्रकाश देंगे 3 दिवसीय सांकेतिक धरना। स्वामी रूपेंद्र प्रकाश प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के परमाध्यक्ष हैं। धारा 370 हटाए जाने और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शिमला में एक सरकारी और निजी बस में टक्कर हो गई, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। घायलों में 6 महिलाएं 3 पुरुष शामिल हैं, जिन्हें उपचार के लिए IGMC शिमला लाया गया है। सड़क में फिसलन की वजह से बसें आपस में टकरा गई। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को शिमला IGMC के लिए रवाना किया गया। फतेहाबाद में पुलिस ने 3 युवकों को हेरोइन सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार किया है। 3 आरोपियों के कब्जे से 16 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। फतेहाबाद के बाद नए बस स्टैंड पर मोटरसाइकिल के चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोर बाइक को बिना स्टार्ट किए ही उठाकर ले गए। वही सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रही है। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। चंबा में सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक कार जो कि चंबा से भांदल की ओर जा रही थी सड़क से लगभग 50 मीटर नीचे खड्ड में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए।
वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार सवार पांचों लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने दो को मृत घोषित कर दिया और दो को इलाज के लिए जिला अस्पताल चंबा रेफर किया गया। वहीं दुर्घटना कार चालक की लापरवाही की वजह से हुई है, जिसके कारण चालक पर मामला दर्ज किया गया है। सोनभद्र के करमा थाना क्षेत्र के बारी महेवा गांव में बिजली विभाग की लापरवाही एक बार फिर देखने को मिली। खेल रहे बच्चों के ऊपर हाईटेंशन तार गिर गया, जिसमें एक ही परिवार के चार बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। झुलसे हुए सभी बच्चों को ग्रामीणों ने आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे में दो बकरियां और एक गाय की मौत हो गई। घटना के बाद कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष है। त्योहारों में एक दर्जन से अधिक युवकों ने खरखड़ी के युवक का अपहरण कर आधे घंटे तक लात घूंसे और डंडों से जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, पिटाई का वीडियो भी बनाया। दरअसल परिजनों को घटना के बारे में एक सप्ताह के बाद उस समय पता चल गया, जब हमलावरों ने युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। पीड़ित युवक ने परिजनों के साथ पुलिस थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में गुरुद्वारों में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। चोर गुरुद्वारे के गुल्लक में रुपए उड़ाकर ले गए और इससे पहले भी गुरुद्वारे में चोरी की घटना हो चुकी है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन चोर पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रुड़की में चोर ने दिनदहाड़े बीजेपी नेता की स्कूटी पर हाथ साफ कर लिया। स्कूटी की चोरी बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष गौरव त्यागी के आवास पर हुई है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजनगरी आगरा में खनन माफियाओं की गुंडागर्दी सामने आई। खनन माफियाओं ने थाने के अंदर पुलिस की मौजूदगी में वनकर्मी से मारपीट कर मौके से फरार हो गए। दरअसल वन विभाग ने सेंचुरी एरिया से अवैध बालू खनन करता ट्रैक्टर पकड़ा, मौके से चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मिर्जापुर की क्राइम ब्रांच और पुलिस ने 9 एमएम की पिस्टल के साथ चार शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक 9 एमएम की पिस्टल, एक अवैध तवंचा, कारतूस, कई मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। वाराणसी की चौबे पुलिस और क्राइम ब्रांच ने बैंक लुटेरों को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। बस्ती कचहरी परिसर में दो बदमाशों ने एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक वकील के साथी वकील जब हत्यारे को पकड़ने का प्रयास करने लगे तो उनके ऊपर भी पिस्टल तानकर मौके से फरार हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, लेकर सीओ और एसएसपी पहुंचे, लेकिन तब तक हत्यारे फरार हो चुके थे। इसके बावजूद पुलिस ने हत्यारों को 24 घंटों के भीतर पकड़ने का दावा किया है। जिला करनाल के गांव रंबा के जोहड़ में 25 वर्षीय छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है युवक 23 फरवरी से लापता था और लापता होने से पहले युवक का रात को डीजे पार्टी में झगड़ा हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। चिरमौर के शिलाई क्षेत्र में जोरदार बारिश के बाद पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर देखने को मिली, जिसे देखने के लिए क्षेत्र के युवा पहुंचे, साथ ही नाटी और ठुमके भी लगाए। पहाड़ी पर बर्फ पर टहलते और भागते हुए नजर आए। बर्फबारी को देखने के लिए कई लोग उत्तराखंड और पामटा नाहन क्षेत्र से भी पहुंचे। इस जगह को टूरिस्ट प्लेस के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी पूरी तरह से लोड न खुलने के कारण टूरिस्ट नहीं पहुंच पा रहे। लाहौल घाटी में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। वहीं सड़क और पहाड़ों पर भारी बर्फ जमी है। वहीं बर्फबारी से लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है।